नमस्कार, मैं यूषी बल्होत्रा। आप जुड़ चुके हैं गुजरे के पेज के साथ। हम रोज एक नई कहानी लेके आपके सामने आते हैं, उसी तरह आज हम कालका कॉलोनी की एक कहानी लेके आए हैं। वार्ड नंबर 48 की कहानी है। यहाँ पर 26 अगस्त को बाढ़ के कारण कुछ लोगों के घर बह गए थे, जिसके बाद उन्होंने कमिश्नर को एप्लीकेशन दी, डीसी को एप्लीकेशन दी, मेयर को एप्लीकेशन दी, लेकिन यहाँ पे उनको यहाँ पे देखने तो कोई क्या, यहाँ पे उनसे बात करने का टाइम उनको नहीं दिया गया है। आइए दिखाते हैं आपको, कैमरामैन जी से कहेंगे दिखाइए उनकी हालत क्या है। यहाँ पे कुछ घर हुआ करते थे कुछ समय पहले, देख सकते हैं वो कंडीशन, वहाँ पे दीवार है वो गिर गई है, ये सब कंडीशन आप देख सकते हैं। तो क्या होगा उन लोगों का जिनके घर बह गए थे, उनके दिलों पे क्या क्या छाती होगी, क्या होता होगा उनके दिलों पे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कॉरपोरेटर जी से। नमस्कार सर। सर आपका नाम? श्यामलाल बसन। सर यहाँ के बारे में बताएंगे आप थोड़ा कि आपने क्या किया था, आपने अभी तक किन किन को बताया है, किन किन की एप्लीकेशन दी है, अपनी डिमांड रखी है कि थोड़ा सुधार लाएं यहाँ पे। हाँ, मैं वेलकम जी के पीस। तो मैं बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को, 26 अगस्त को जो यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लड आया था, तो ये देखते ही देखते घर बह गए। और ये हमारा बेटा जहाँ ये इसकी बार्बर की शॉप थी, वेल इक्विप्ड शॉप थी, अंदर एसी लगा हुआ था, गेजर वगैरह हर चीज़ जितनी भी सामान सारे सामान इसने रखा हुआ था, दुकान पूरी की पूरी बह गई, एसी वगैरह सब कुछ मतलब इसका बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेब चार बार रोड पर आ गया। इसके लिए आज तक रिहैबिलिटेशन के लिए किसी किस्म की मदद जो नहीं की गई है, मैंने डीसी साहब को अप्रोच किया है, डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, लेकिन कोई संज्ञान उन्होंने लिया। उसके बाद ये जितने घर ये देख रहे हैं, मैंने आने वाले मेयर साहब से 3 बार एप्लीकेशन दी हैं, कमिश्नर JMC से उनसे मिला हूँ। हाँ, यहाँ पर डिप्टी मेयर, आने वाले डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णा शर्मा जी आई थी, और उन्होंने जहाँ जिनके रहने के लिए रहन पे से रोन तब किया था, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से GED जो डिपार्टमेंट जिन्होंने जो नाला बनाना है, उनका एक भी आदमी जहाँ पर जो नहीं आया, सिर्फ एक दिन से एक दिखावे के लिए जहाँ आज तक कोई एक्शन नहीं किया। आप देखते हैं ये घर क्या करेंगे इसके बाद, ये सर्दियां आने वाली हैं, लोग शेल्टरलेस हो गए हैं, इनके सिर पर छत नहीं है, ये COVID-19 पेंडेमिक के मारे हुए हैं, ना बेचारे कोई दिहाड़ी ना कोई, बुरी हालत है इनकी। तो मैं कहूँगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है, हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है, कौन सा ऑप्शन बचा है, ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, बैठेंगे इधर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है। सर जिस तरह आपने बताया कि जिन्होंने नाला बनाना था वो आपसे बात करने नहीं आए, उन्होंने कुछ किया नहीं इसके बारे में? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो हमारी डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हाँ। उन्होंने कुछ नहीं किया इसके बिल्कुल बारे में? मैं कहता हूँ मैं कमिश्नर के पास गया था, मैं खुद गया था, इनको लेकर गया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया, नहीं आए, ना उन्होंने डायरेक्ट किया कंसर्न डिपार्टमेंट को, नहीं उन्होंने उनको भी नहीं भेजा, ना वो खुद आए। तो लिहाजा ये आप देख रहे हैं कि हालत ये है कि एक साल पहले रोड बह गया था, ये दीवार इसकी नाले की दीवार गई, उसके साथ रोड भी गया, कोई डेड बॉडी शमशान लेकर जाना, शमशान कर लेकर जाना, उसके लिए मुश्किल है। एक साल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ मेयर साहब भी आए बाकी लोग भी आए, लेकिन फंड्स होने के बावजूद भी ना तो इसका टेंडर लगा और ना इसका काम, इतनी नेगलिजेंसी है डिपार्टमेंट की, GED डिपार्टमेंट की, मेरे बार बार वहाँ जाने के बावजूद भी वहाँ उन लोगों ने बिल्कुल इस नाले का रिपेयर का काम नहीं किया। आज हालत यह है कि जो ब्लैक टॉपिंग हमने करनी थी रोड की, जो हमारा शमशान घाट को रोड जाता है उसकी, क्योंकि मशीन नहीं आ सकती, रोड पूरा टूट गया है, ये हालत है इनकी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या, ये हमारी जो ये बेचारी बोल नहीं सकती, ये औरत जो बोल नहीं सकती है, ये गूंगी है, और इसकी बेटी की मैरिज है 20 तारीख को, बताओ इसकी, इनके पास ना घर है ना कुछ खर्चा करने के लिए कुछ है। हम अपनी तरफ से जो भी हमारे से होगा, क्योंकि खाने के लिए भी जो हमारी तरफ से हो पाया है हमने इनका किया और करेंगे भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज रेड क्रॉस डिपार्टमेंट उनको भी, मैंने सेक्रेटरी को भी मैंने फ़ोन किया था, वो भी हाथ खड़े करके, आज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आने वाला भाई मैं डिप काम से बात करूँगा, उनको भी लेटर लिखा है, तो उसके लिहाजा उनकी तरफ से भी मैं कहता हूँ कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिप काम की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई मदद के हाथ इनकी और नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि एक साल से यहाँ पे रोड की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पे जो
अगस्त में यहाँ पे घर टूटे थे वो कब बनेंगे? एक साल से जो सरकार एक रोड नहीं दे पा रही है फंड्स लेने के बावजूद भी, वो घर कहाँ देगी बिना किसी चीज के? आइए बात करते हैं जिनका यहाँ पे फ्लड के कारण घर बह गया था, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या दास्तान है। नमस्कार मैम। मैम क्या आप बता सकते हैं थोड़ा इसके बारे में कि आप लोग क्या हुआ था उस टाइम पे? पानी आया है, फ्लड बहुत ज्यादा आया, पानी इतना नाला पड़ गया है, मतलब दुकान कर डोगरी च बोल डोगरी भी आंदी तो डोगरी च बोल कोई गल नहीं। पानी ना आया दुकान, मतलब एकदम पानी इयां आई गया, दुकान पूरी रुड़ी, बाथरूम ही गेट हा, एसी गीजला अंदर लगे, मशीन ही मुड़े दियां नहीं महंगा खलौना हा खोले पूरे पूरा, पर और भी समान हा सारा घर का, मतलब रुड़ी गया पूरा, रुड़ी गया दो बाथरूम, रुड़ी गया गेट, रुड़ी गया दुकान मेरी पूरी रुड़ी गई। खाली रैन मसारे दे देना, अगू कोई पता लेने आया, अगू मैं अस मरचे जीचे कोई पता नहीं लेने आया, अगर नहीं आंदे तो अस इतने बेही जाने मर जाने, भुख हड़ताल पाइए बेही जाने, केह करचै कोहदा नाम लेइए इत्थे रोचे। देखा कि यहाँ पे एक सैलून था, इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सैलून था, वहाँ पे वेल सेटल सैलून था जिसमें सारे इक्विपमेंट्स थे, यहाँ पे उनका घर था, एक अच्छा खासा एक रहन बसेरा था उनका पूरा, जो कि बाढ़ के आने से पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं दूसरी ओर देखें एक ऐसी औरत है जो बोल नहीं सकती है, उनका भी घर यहीं पे पानी की वजह से बह गया था। अब उनकी बेटी की शादी है तो वो क्या करें, कैसे कहाँ करेंगे वो शादी? कोविड 19 के चलते तो ये बहुत ही ज्यादा गंदे हालात है जम्मू के। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस चीज पे ध्यान तो देना ही चाहिए, और जम्मू की जो सरकार है, जो जम्मू की सरकार बीजेपी इस टाइम पे है, उनको तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि बाढ़ के कारण हो गया था, एटलीस्ट वो यहाँ पे आके पूछे इन लोगों से, जाने कि इनकी तकलीफें क्या है, इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे कोई आया नहीं है अभी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आयुषी बल्डोत्रा, जेके पेजेस के साथ।